हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में ए पार्ट है, कह रहे हैं मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ, ये किस किस के सॉल्यूशंस हैं, एसिड बेसिस एंड आप पूछ सकते हैं यहाँ पर क्या है, सॉल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बी। बी अगर यहां पर हम बात करें बी की, द पैसेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन कॉजेस कौन सा इफेक्ट, उसको जो इफेक्ट बोलते हैं वो हम बोलते हैं उसको केमिकल इफेक्ट्स। ठीक है, केमिकल इफेक्ट। सी देखें, इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द, ठीक है, अब आपको यहां लिखना है कौन सा टर्मिनल है, ये आपको बताना है कनेक्टेड टू द। देखो कॉपर का मैंने उसमें बताया था लास्ट वीडियो में 2+ होता है, तो ये किस पे जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट होना चाहिए जो हमारा दूसरा, आप बोल सकते हो कि ये वाला पोर्शन जो आपका इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे थे प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मैटर ऑन द अनदर मटेरियल बाई मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा। सेकंड देख लें, कहने कि व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर आर डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन, कैन यू एक्सप्लेन, जो मैग्नेटिक नीडल है ऑफ कंपास, ये क्या करती है, ये डिफ्लेक्शन शो करती है। प्रूफ करना है, दो नहीं इसको एक्सप्लेन करना है आपको, प्रूफ नहीं करना, एक्सप्लेन करना है। तो आपको बताएं कि जो ये निडल होती है ना, स्मॉल वर्ल्ड, ये किसके तरह काम करता है, ये एक मैग्नेट होता है ना, लाइक अ मैग्नेट बार। ठीक है, तो ये मैग्नेट की तरह काम करती है इसकी। अब यहाँ पर दूसरा अगर मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, कोई दूसरा मैग्नेट इसके कांटेक्ट में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो तब डिफ्लेक्शन होगा। तो जो कंपास निडल होती है वो डिफ्लेक्शन दिखलाती है। ठीक है, जब जब भी हम करंट को जो फ्लो कराएंगे वायर के अंदर, और ये उसके इन्फ्लुएंस में होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए। तो जो सर्किट है, जब हम उसको इमर्स करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, जैसे करंट फ्लो करेगा तुरंत इसके अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो बोल सकते हैं कि जो आपका सर्किट है, तो जब इस सर्किट के ये वाले एंड जो है फ्री एंड, जब इनको सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो इसमें करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करने की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो करने की वजह से इसके अंदर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, जो फ्लोइंग करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, थ्री देख लें, कहना है कि नेम थ्री लिक्विड्स विच वेन टेस्टेड इन द मैनर शोन 14.9 डायग्राम मे कॉज द मैग्नेटिक निडल डिफेक्ट, तो आपको बताना है। तो अभी तो आपको ऊपर बताया था, पहला आप ले लो एसिड, ठीक है, नेम बताना, और स्पेसिफिक जाओगे तो आप यहाँ पर ले लो HCl, ठीक है, और आप ले लो सॉल्ट वाटर, क्या ले लें आप, सॉल्ट वाटर ले, लेमन जूस ले लें, सबसे बेटर उस समय था वहाँ पे, आप क्या ले लें, लेमन जूस ले लें, और अगर आपको लेना है तो एसिड हो गया है ना, और आप सॉल्ट वाटर तो हो गया, सॉल्ट वाटर HCl हो गया आपका, लेमन जूस हो गया, और आप जो है वो वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। वैसे तो तीन पूछा है आपको, एक और बता दें, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन नंबर फोर, कह रहे हैं द बल्ब डजंट ग्लो इन द सेटअप शोन इन द फिगर 14.10, कह रहे हैं कि लिस्ट द पॉसिबल रीजंस, क्या रीजन होते हैं। देखो यहाँ पर प्लस और ये माइनस है, यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो इसका एक रीजन तो ये हो सकता है कि ये जो लिक्विड है ये नॉन कंडक्टिंग है, क्या है, नॉन कंडक्टिंग, ये कंडक्ट नहीं कर पा रहा इलेक्ट्रिसिटी को, है ना, नॉन कंडक्टिंग, क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, तो सर्किट जो वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, फिर क्योंकि फ्लो ही नहीं हो रहा, जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो वो कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, इसी वजह से। और दूसरा रीज़न यहाँ पर हो सकता है कि करंट जो है वो इतनी वीक है कि वो इसको जो है इल्यूमिनेट नहीं कर पा रही, इसको जो जला ही नहीं पा रही, इनसफिशियंट एनर्जी इसको मिल पा रही, और जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दूसरा है, तो पहला होगा कि ये नॉन कंडक्टिंग हो, बैटरी एकदम स्ट्रांग है, पर दूसरे के पहले केस में ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये कंडक्ट ही नहीं कर रहा, आप कुछ भी कर लो, कैसी बैटरी लगा लो, तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। दूसरा हो सकता है कि ये जो बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो इतना वीक है कि आपका ये बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा है, ठीक है। चलें फिफ्थ देखें,
फिफ्थ में हम बात करते हैं, अ टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड्स लेवल ए एंड बी. इट इज फाउंड दैट द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर द लिक्विड ए व्हाइल इट ग्लोज वेरी डिमली फॉर लिक्विड बी. यू वुड कंक्लूड, तो लिक्विड ए और लिक्विड बी है, ठीक है, क्या है, लिक्विड ए और लिक्विड बी है हमारे यहाँ पर. तो यहाँ पर लिक्विड ए है, लिक्विड बी है. लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी, तो लिक्विड ए जो है वो बेटर कंडक्टर है. बिल्कुल बात सही है यहाँ पर, है ना. कह रहे हैं लिक्विड बी इज बेटर, ना ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता. बोथ लिक्विड इक्वली कैन नो कंडक्ट, कह रहे हैं कि कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर. तो यहाँ पर इसका आंसर जो ए ही होगा, ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है. कह रहे हैं कि डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका आंसर होगा प्योर वाटर डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इसके अंदर कोई भी सॉल्ट नहीं हुआ है. इट डजंट कंटेन एनी टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है. इफ नॉट वॉट कैन बी मेक द कंडक्टिंग, अगर इसके अंदर हम थोड़ा सा सॉल्ट मिला लें, है ना, जैसे सॉल्ट कॉमन सॉल्ट हो गया आपका, कॉमन सॉल्ट नमक हो गया, है ना, तो उसको अगर मिला लेंगे तो उसके अंदर Na प्लस और Cl माइनस का अमाउंट आ जाएगी और फिर आराम से ये कंडक्ट हो जाएगा. सेवन देखें, कह रहे हैं इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ फायर बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर होसेस द शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई इन द एरिया. एक्सप्लेन वाई दे डू दिस. कह रहे हैं इन द केस ऑफ फायर बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर होसेस द शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई, क्योंकि वाटर जो है वो क्या है, कंडक्ट कर जाएगा किसके थ्रू, वाटर के थ्रू. वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर जाएगी जिससे कि आपको जो है नुकसान ना हो. तो जब भी हम केस की बात कर रहे हैं फायर के केस में, बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर होसेस, ये इसलिए सप्लाई को बंद कर देते हैं क्योंकि जो वाटर जो स्प्रे हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, और जब भी ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कॉन्टैक्ट में आएगा तो यहाँ पर चांसेस क्या है कि आपका कोई एक्सीडेंट और ज्यादा हो सकता है जिससे फायरमैन को बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है. नेक्स्ट देखें, कह रहे हैं अ चाइल्ड स्टेइंग इन द कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन आप समझ रहे हैं जो समुद्र के आसपास का एरिया है, टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो द सी वाटर विद द टेस्टर, ठीक है. ही फाइंड दैट द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स मोर इन द केस ऑफ सी वाटर, सी वाटर में ज्यादा कंपास डिफ्लेक्ट करी. कह रहे हैं एक्सप्लेन करना, देखो एक आप सी वाटर की बात करें और दूसरा आपका जो है वो नॉर्मल वाटर है, ठीक है, नॉर्मल वाटर. अब देखो नॉर्मल वाटर कहने की जो डिफ्लेक्शन है वो सी वाटर में ज़्यादा है, सी वाटर में जो डिफ्लेक्शन वो ज़्यादा है. क्यों ज़्यादा है, उसका एक रीज़न है. सी वाटर में जो कॉमन सॉल्ट मतलब सॉल्ट की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होती है, सॉल्ट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू दिस. तो सॉल्ट परसेंटेज ज़्यादा होगी तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा. तो यहाँ बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट प्रेजेंट इन द सॉल्ट वाटर सॉरी सी वाटर इज मोर देन द ड्रिंकिंग वाटर. तो ड्रिंकिंग वाटर से ज़्यादा सॉल्ट की परसेंटेज यहाँ पर होगी और उसी की वजह से ये बेटर कंडक्टर है, और बेटर कंडक्टर है तो करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो करेगी, ज़्यादा करंट फ्लो करने की वजह से डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा. नेक्स्ट देखें, इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रीशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर, ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा नो, ये इसलिए सेफ नहीं है क्योंकि जो वाटर है हैवी जो वाटर फ्लो गिर रहा है रेन वाटर, वो क्या है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा कंडक्टिव होता है इस वजह से, और कंडक्टिव होगा तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है. तो इन चीज़ों को क्या करना है, अवॉइड करना है हैवी डाउन पोर के टाइम, ठीक है. पहली हार्ड That rain water is a good distilled water. Rain water जो good distilled water है, so she collected some rain water in the clean glass tumbler and tested using the tester. To her surprise, she found that compass needle showed deflection. What could be the reason? तो देखो ये तो बात सही है कि distilled, लेकिन हमारे लिए जो है वो जो water है, water में वो minerals होते हैं, मतलब जो आपका rain water है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा minerals होंगे, तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, distilled water बोल रहे हैं. अब अगर बात करें तो उसके अंदर जब salts होंगे, percentage of dissolved salt जो है वो उसकी वजह से क्या करेगा, conduct कर जाएगा, और conduct करेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें जो आपका compass है उसका deflection होगा, ठीक है. Prepare a list of subjects around you that are electroplated, ठीक है. कहना है आपको list of object बताना है अराउंड यू दैट
हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो करते हैं, तो हम पहला बोल सकते हैं कि क्रोमियम प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग हो गया आपका। दूसरा आपका क्या हो जाएगा यहां पर, गोल्ड प्लेटिंग, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा यहां पर, थर्ड वन हो जाएगा जिंक प्लेटिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा जिंक प्लेटिंग। अब देखो तीनों में अलग अलग आप देखें, क्रोमियम प्लेटिंग जो है जैसे ऑटोमोबाइल्स वगैरह में हम यूज करते हैं इसको, तो पूरा उस पर क्रोमियम चढ़ा देते हैं ना, ऑटोमोबाइल्स वाले केस में इन सबका यूज करते हैं। इसके लिए ये हम कहाँ पर यूज करेंगे, आपको पता है जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स में इसका यूज करेंगे हम, ये मेथड अप्लाई करेंगे। और ये जो जिंक प्लेटिंग होती है, ये आप जो है कंस्ट्रक्शन, आप बोल सकते हो कि जो आयरन होता है आयरन के ऊपर करेंगे, जब हम पुल वगैरह बनाते हैं या फिर कोई भी हैवी मटेरियल बनेगा आयरन का, तो उस पर हम जिंक की कोटिंग करते हैं जिससे कि वो प्रिवेंशन कर पाए किसका, रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन ऑफ आयरन। कह रहे हैं 12 देखो, द प्रोसेस दैट यू शो इन द एक्टिविटी 14.7 यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर ऑफ थिन प्लेट। तो एक्टिविटी 14.7 आप देखो पहले, तो 14.7 एक्टिविटी अगर आप देखें तो ये एक्टिविटी एक्टिव 14.6 और एक्टिविटी 14.7 ये वाली एक्टिविटी होगी, इसकी बात कर रहे हैं इस एक्टिविटी की, ठीक है। तो 14.7 एक्टिविटी में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर एंड थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स, कॉपर फ्रॉम द इम्प्योर रॉड से सॉट टू बी ट्रांसफर टू द थिन कॉपर प्लेट, ठीक है। कह रहे हैं विच इलेक्ट्रोड शुड बी अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल से हम कौन सा जो इलेक्ट्रोड से उसको अटैच करेंगे। दो ध्यान दो, जो थिक रॉड है ना वो इम्प्योर प्लेट हम मानेंगे उसको, और उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे जो थिक, ऐसे आप डायग्राम बना लो कि जो थिक प्लेट है उसको हम किस टर्मिनल से, ऐसे करके आप बना लो, आप एक मिनट, ये हो गया आपका ये इस तरह से। तो ये जो थिक प्लेट है इसको हम जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करेंगे, किस है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इस अब क्या होगा, जो आपका नीचे जो सोल्यूशन है यहाँ पर किसका, कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, और ये आपकी क्या इम्प्योर है, क्या है इम्प्योर, ओके। और जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है उस पर हम जो है वो पतली सी रॉड लगा दो, तो इम्प्योर वो ये प्योर, प्योर उसकी है ना पतली सी, होगा क्या कि सोल्यूशन से जो डिपोजिशन इसमें होता रहेगा ऐसे डिपोजिशन, जो सोल्यूशन के अंदर कॉपर है तो ये कॉपर धीरे धीरे क्या होती रहेगी, मोटी होती रहेगी, और ये जो कॉपर है जो इम्प्योर है वो पतली होती रहेगी, ठीक है, और पतली, क्योंकि इसका जो डिसॉल्व इसके अंदर, क्योंकि इम्प्योर है इसके अंदर जो आपका, आप अगर मैं इसको फाइनल दिखाऊं तो ये जो इतना पहले इतना मोटी थी वो आपको इतनी पतली हो जाएगी, है ना, ऐसे करके इतनी, तो इसका जो बाकी मटेरियल था इम्प्योरिटीज तो यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी जो उसमें डिजोल्व नहीं हो रही थी, और बाकी जो है वो इसमें चली जाएगी सोल्यूशन के अंदर कॉपर, और ये हमारी धीरे धीरे मोटी, तो इसको निकाल लेंगे ये हमारी क्या हो जाएगी, प्योर मेटल आ जाएगी, प्योर कॉपर, कॉपर की एक हमारी इलेक्ट्रोड आ जाएगी और उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इम्प्योर से प्योर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये एक तरीका होता है, ये इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये हमारे 12 क्वेश्चन थे, और अब आगे तो कुछ उसमें है नहीं, तो आप देखो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको करा देता हूँ, आपको एक आइडिया मिल जाता है पूरे चैप्टर के बारे में। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली और मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, या कोई भी आपको जो है वो सजेशन देना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, हाय मत, साइनिंग ऑफ।